नदी किनारे बालू की ऊंची नीची घाटियों पर सैंडी हिल होने के कारण ही शायद कस्बे का नाम सैंडी पड़ा। सैंडी बिलग्राम तहसील का एक छोटा सा कस्बा है जो गर्रा नदी के किनारे बसा है। आज सैंडी वर्ल्ड सेंचुरी के लिए मशहूर है। सैंडी से 1 किलोमीटर दूर स्थित सेंचुरी 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये सैंडी वर्ल्ड सेंचुरी का गेट है। अंदर जाने का टिकट लगता है। ये यहाँ की झील है। प्राचीन काल में इस झील को दाहर झील के नाम से जाना जाता था। झील के चारों ओर सुंदर दृश्य चिड़ियों की चहचहाहट के बीच अपने आकर्षण से रोमांचित करती है। शेरशाह सूरी व हुमायूं की लड़ाई का बैटल ग्राउंड भी सैंडी था। तारीख ए फर्रुखाबाद के लेखक मुफ्ती वली उल्लाह सैंडी के रहने वाले थे। मुफ्ती वली उल्लाह का जन्म 26 अगस्त 1752 में हुआ था। मुफ्ती साहब फर्रुखाबाद शिफ्ट हो गए, जहां बंगश नवाबों के बीच अपना कार्य क्षेत्र बनाया। 1990 में सैंडी में एक बर्ड सेंचुरी की स्थापना की गई थी, जो एक पर्यटन स्थल के रूप में पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग से कम नहीं था। जो लोग प्रकृति का आनंद चाहते हैं, उनके लिए यह सेंचुरी एक आदर्श स्थल है। यहाँ भ्रमण के लिए सबसे अच्छा समय नवम्बर से फरवरी के बीच है। प्रवासी पक्षी पहले गर्रा नदी के किनारे रुकते हैं, बाद में सैंक्चुअरी में भ्रमण करते हैं। एक सर्वे के अनुसार यहां प्रति वर्ष 38,195 स्थानीय पक्षी व 16,378 प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास लक बहोसी व सैंडी वर्ड सैंक्चुअरी जैसे पर्यटन स्थल है। दोनों जगह पर्यटन के लिए काफी व्यवस्था की गई है, लेकिन अज्ञानता के कारण सैंक्चुअरी की तरफ लोगों की रुचि बहुत कम है। वर्ड सैंक्चुअरी देखने जाने के पहले इसके बेसिक समझाना भी जरूरी है। आपके पास एक दूरबीन होना अति आवश्यक है। पेशेंस व शांत वातावरण इस एडवेंचर की पहली शर्त है।